Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udaan. इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई नॉवल में कहे गए किसी भी कथन के लिए रेडियो उड़ान जिम्मेवार नहीं है। इस नॉवल को पाकिस्तानी ऑथर तहमीना दुरानी जी ने लिखा है और इसे ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। रेडियो उड़ान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। I wonder, do we actually gain strength, confidence and courage after facing any fearful situation? We tend to ask ourselves, Oh God, I came out of this horror, but am I prepared for the next one? हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, डर एक बहुत बड़ी चीज होती है। हमें लगता है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में अगर हम आ जाएंगे तो हम उसे फेस नहीं कर पाएंगे, पर जब हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं तो क्या हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, दोबारा वैसे ही या फिर उससे भी वर्स सिचुएशन में आने के लिए तैयार हो जाते हैं? आई रियली वंडर अबाउट दैट कि अगर एक हॉरिबल सिचुएशन से हम निकल जाते हैं तो क्या अगली हॉरिबल सिचुएशन को फेस करने के लिए हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे? ऐसे ही कुछ सिचुएशन में है हमारी आज की नॉवल की प्रोटैगनिस्ट ही। जी हाँ, हमारी आज की नॉवल है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी ने। ये नॉवल जो कि एक सच्ची कहानी है, हीर की सच्ची कहानी, धर्म के ठेकेदारों की सच्ची कहानी, अल्लाह के उन बंदों की सच्ची कहानी जो कि अल्लाह के नाम पर अल्लाह को ही रुस्वा करते हैं। जी हाँ, साउथ पाकिस्तान की ये कहानी जिसमें करेक्टर्स के नामों को चेंज कर दिया गया है ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अगर आपने इस कहानी को फॉलो नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, लिख सकते हैं ब्लास्फेमी तहमीना दुरानी बुक वर्ड रेडियो उड़ान और आपको इसके सारे शोज मिल जाएंगे। और जस्ट वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, ये कहानी है हीर की। 15 साल की हीर जो कि बहुत ही गरीब परिवार को बिलोंग करती थी, उसकी शादी एक बहुत ही बड़े परिवार में कर दी गई क्योंकि हीर बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए धर्म के ठेकेदार पीर सिंह का रिश्ता हीर के लिए आया था। उसके घर में उसकी माँ बहुत खुश हो गई थी, उसे लग रहा था कि अब उनके परिवार की सिचुएशन बदल जाएगी, अब उन्हें समाज में एक नई इज्जत मिलने लगेगी। हीर जो एक लड़के को प्यार करने लगी थी, वो रांझा चाहती थी। प्यार की कुछ अलग ही डेफिनेशन उसने अपने मन में बनाई थी, पर पीर सेन बहुत अमीर है, देखने में अच्छे खासे लगते हैं, बड़ी हवेली में हीर चली जाएगी जहाँ बहुत पैसा होगा, नौकर चाकर होंगे, ये सोचकर हीर खुश भी हो गई थी। पर वहाँ जाके सिचुएशन बिल्कुल ही अलग निकली। पीर सेन जो कि उससे 15-20 साल बड़े थे, उनके लिए हीर की फीलिंग, उनके लिए हीर का दिल बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था, सिर्फ और सिर्फ हीर का जिस्म उनके लिए मायने रखता था। उन्होंने हीर के सारे सपनों को रौन डाला पहले ही दिन। हीर जो कि यहाँ पर एक बंदी की तरह रह रही है, उसे उस हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं। एक औरत उस पर 24 घंटे नजर रखती है जिसका नाम हीर ने चील रख दिया है। हीर सारा दिन घर में काम करती है, छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलती है। पीर सेन उसे बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं और सबके सामने उसे जलील करते हैं। हीर के पास इन सबको सहने के अलावा कोई और चारा नहीं है क्योंकि उसका परिवार बहुत कमजोर है, वो ना यहाँ से भाग सकती है ना कानून की मदद लेके यहाँ से निकल सकती है। उसे अपने इन हालातों के साथ समझौता करना ही पड़ता है। 30 साल की उम्र में हीर 5 बच्चों की माँ बन जाती है, 3 बेटियाँ और 2 बेटे। बेटे की माँ होना एक बड़ी बात है। उसने पीर सिंह को बेटा दिया है जो कि उनका उत्तराधिकारी बनेगा, जो कि उनकी जगह श्राइन पे गद्दी संभालेगा। पर हीर की इज्जत में कोई बदलाव नहीं आया है। हीर आज भी नौकरों की तरह सारा दिन घर में काम करती है। नौकरों के ऊपर वो थोड़ा बहुत हुक्म चला भी सकती है, पर उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। छोटी सी गलती के लिए उसे उन्हीं नौकरानियों के सामने बुरी तरह बेइज्जत किया जाता है। जी हाँ, हीर की बड़ी बेटी जो कि अब 13 साल की हो चुकी है। चलिए बढ़ाएंगे कहानी को आगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानेंगे। पीर सेन जिन्होंने अभी तक हीर के ऊपर अत्याचार किए थे, जिनकी कहानियाँ हीर सुनती आई थी, वो सच में कैसे बदलती हैं, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए।
इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। My name is Fred Schroeder and I'm the president of the World Blind Union and you are listening to Radio Odon, a flight of life. For more info log on to www.radioodan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Odon, a flight of life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तेवीना दुरानी ने। पिछले हफ्ते हमने जाना कि इस नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट है हीर, जिसकी शादी एक धर्म के ठेकेदार पीर सेन के साथ हुई है। ये आदमी दुनिया के लिए चाहे संत हो, पर हीर के लिए एक राक्षस है, एक हैवान है। हीर जो कि 5 बच्चों की माँ बन चुकी है, उसकी बड़ी बेटी गप्पी जो कि 13 साल की हो चुकी है। गर्मियों के बाद अच्छे मौसम के कारण ये सभी लोग बाहर चौक में सो रहे थे हीर के साथ। हीर की बेटियां भी सो रही थी, तभी उसने महसूस किया कि उसकी बेटी गप्पी को उसके पिता पी सेन वहां से उठाकर ले जा रहे थे। एक माँ बहुत ज्यादा मजबूर थी, वो पूछ भी नहीं सकती थी कि कारण क्या है ले जाने का। खैर, कमरे में से कुछ गप्पी के चीखने की आवाजें आईं, उसके बाद पीर सेन ने गप्पी को कमरे के बाहर फेंक दिया। गप्पी चुपचाप आकर वहां पर सो गई। सुबह मौका मिलते ही जब हीर ने गप्पी से पूछा कि उसके बाबा उसके ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे थे, तब बहुत ही सकुचाते हुए गप्पी ने बताया कि उसके पिता ने उसकी छाती दबाई थी, जिसकी वजह से वो चिल्ला दी थी और वो गुस्सा हो गए थे। ये सुनकर हीर के पैरों के तले जमीन निकल गई थी। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती है। उसने देखा है कि कैसे हवेली से लड़कियां गायब हो जाती हैं। वो जानती है कि उसके पीछे उसके पति का हाथ भी होगा, पर जान के भी वो अनजान बनी हुई है या फिर सच्चाइयों से दूर रहना चाहती है, अपनी जिंदगी में जीना चाहती है, इसलिए वो इस सब को नजरअंदाज कर देती है। पर अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा तो वो कैसे नजरअंदाज कर पाएगी। हीर सोचती है मीसनी के बारे में, जो कि पी के तीसरे भाई की बेटी है, जिसका उसके साथ रिश्ता है। क्या पीसिन भी? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। उसे याद है मीसनी की माँ का वो चेहरा, जिसकी शक्ल पर गुस्सा तो था पर वो कुछ नहीं कर पाई थी। पर हीर ऐसा नहीं होने देगी, उसे कुछ ना कुछ करना होगा अपनी बेटियों को बचाने के लिए। यही सोचकर उसने एक निर्णय लिया है। गप्पी, चाहे कुछ भी हो, तुम अपने बाबा से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना। जब तक वो तुम्हें बुलाए ना, तुम उनके पास बिल्कुल मत जाना, समझ गई ना? तभी मैंने देखा कि सामने नौकरानियों की लड़कियां खेल रही थी। मेरी नजर पड़ी यथिमरी की तरफ, जो कि गप्पी की ही उम्र की है, यतीम लड़की है। मैंने यथिमरी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए, नौकरानी से कहा कि उसके बाल बना दे, और रात को उसे लेकर मैं अपने पति के कमरे में जा पहुंची। वो जब बाथरूम से बाहर निकले तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? सेन, ये आपके लिए है। मेरी बात सुनते ही उनका गुस्सा हैरानी में बदल गया था। उन्होंने एक बार लड़की की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं पूछने वाली थी कि इस बच्ची का क्या करूं, शायद वो समझ गए थे। इसे यहीं पर छोड़ के जाओ। मैं उसी समय कमरे से बाहर आ गई। उस बच्चे की मरी हुई माँ का चेहरा जैसे मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने ये क्या गुनाह कर दिया। मैं चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर गप्पी के साथ लेट गई। याद कर रही थी अपनी शादी की पहली रात। कोशिश कर रही थी सुनने की कुछ आवाजें जो साथ वाले कमरे से आ रही हो, पर मुझे कोई भी आवाज ना सुनाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गप्पी अपने बाबा को गलत समझ रही हो? कहीं मैंने बिना कारण ही इस लड़की को वहां कमरे में छोड़ दिया हो? हीर, इधर आओ! जैसे ही उनकी आवाज सुनी, मैं भागती हुई कमरे में जा पहुंची। जमीन पे वो बेबस लड़की पड़ी हुई थी। उसके मुंह में उन्होंने अपना रुमाल ठूंस रखा था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और
दांतों के निशान उसकी छाती पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसका नीचे का शरीर एक कपड़े से ढका हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, शायद वो देखना चाहते थे मेरी आंखों में उनके लिए गुस्सा और उस बच्ची के लिए तरस, पर उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैंने जब कपड़ा उठाया और उसके पैरों के बीच में खून देखा तो अपना दिल थाम लिया। अगर ये नहीं होती तो क्या इसकी जगह गप्पी? मैंने घबराते हुए उस लड़की को वहां से उठाया और साथ वाले खाली कमरे में ले गई। उसके पैर कांप रहे थे। मैंने उसे तकिया देकर जमीन पर लिटा दिया। मैं उसकी तरफ देख रही थी। मेरी नजरों से बचने के लिए उसने अपने मुंह पर कपड़ा ढक लिया। उसकी माँ का चेहरा अपनी आंखों के सामने लिए हुए और गप्पी के बारे में सोचते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मैं अपने पति के साथ आकर लेट गई थी। आसमान में देखकर मैं अल्लाह से पूछना चाहती थी, आखिर कौन है ये आदमी? सिर्फ पूर्वज महान होने के कारण इसे दर्जा दिया गया है? मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं अब उस लड़की का, कहां भेजूं, कहां छुपाऊं? मैंने शेर के मुंह पर खून लगा दिया है, अब अगर वो दोबारा गप्पी की तरफ गए तो मैं क्या करूंगी? अगर उन्होंने दोबारा मुझसे मांग की तो मैं किस बच्चे को अब उन्हें दूंगी? मैंने सोचा कि मैं यतिमरी को साकी बीबी के पास किसी नौकरानी के हाथ भिजवा दूंगी, पर नहीं, मैं गप्पी को कहां भेजूंगी? अगर ये नहीं हुई तो दोबारा वो गप्पी की तरफ जा सकते हैं? इस लड़की की बलि चढ़ाने का कारण बिल्कुल साफ था। मुझे कोई और लड़की इनके सामने लानी होगी ताकि इनकी नजर गप्पी की तरफ कभी ना जाए। वो अपनी इस हैवानियत को अपने घर तक क्यों ले आए? रोज इतनी लड़कियां तो गायब हो रही थी, क्यों उन्होंने गप्पी की तरफ नजर डाली? क्यों उन्होंने इस जुर्म में मुझे हिस्सेदार बना लिया? अगले दिन मैं पूरा दिन यही सोचती रही। ये उदेड़ बुन मेरे दिमाग में रही, ये तिमरी का तो कोई नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, मुझे इसका ध्यान रखना होगा। ये ठीक हो जाएगी तो शायद ये ही दोबारा बलि देने के लिए तैयार भी हो जाए। मैं यतिमरी को अच्छा खाना देने लगी, पर शाम तक यतिमरी जैसे पागल सी हो गई थी। मैं डर रही थी, आखिर ये गुनाह तो मैंने किया है, इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही आएगा। पर शुक्र है नौकरानियों ने सोचा कि उसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है। वहीं क्योंकि मैं उसका ध्यान रख रही थी, नौकरानियां बहुत हैरान भी थी। यहां इस घर में जहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, किसी को किसी की परवाह नहीं, उनके लिए ये बहुत अजीब था। रात को सेन ने मुझे कहा, इसे कच्चे अंडे और दूध दो, इसे ताकत मिलेगी। सेन, उसकी तो बिल्कुल मरने वाली हालत है। जानता हूँ, बहुत सारी लड़कियां देख चुका हूँ उससे पहले भी। मेरी आंखों के सामने उन सभी गायब होती हुई लड़कियों की शक्लें घूमने लगी। मुझे चक्कर आने लगा, उसे आदत पड़ जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। शायद काली ने अपनी जान दे दी पर उसे आदत नहीं पड़ी। वो अपनी हैवानियत को अब अपने घर तक ले आए थे। मैं अपने हाथों की तरफ देखने लगी जिनमें पसीना आ चुका था। ओ अल्लाह, क्या ये लड़की मेरे पति को मेरी लड़कियों से तब तक दूर रख पाएगी जब तक उनके निकाह ना हो जाए? यतिमरी की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वो एक बार फिर बच्चों के साथ खेलने लग गई थी। इस बार जब मेरा महीना हुआ तो दूसरे ही दिन पीर सेन ने मुझे कहा यतिमरी को बुलाने के लिए। सात में से चार दिन उन्होंने रात को अपने पास यतिमरी को बुलाया। मैं देखकर बहुत हैरान थी कि अब यतिमरी ना डरी हुई थी, उसे कोई खौफ नहीं था, कोई निशान नहीं थे, आंखों में एक चमक आ गई थी। हाँ, चलने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही थी उसे, पर इस लायक वो थी कि बच्चों के साथ खेल सके। यहाँ तक कि पीर ने एक दिन मुझे बुलाकर ये भी कहा कि मैं यतिमरी का ध्यान रखूं और उसे ज्यादा काम भी ना कराऊं। क्या पीर सेन यतिमरी के साथ नरम पड़ गए हैं?
पर उनके अंदर दिल तो है ही नहीं, फिर ये तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। पर ये थिमरी रात को उनके साथ रहने के बाद सुबह कैसे हंस खेल लेती है, मेरे लिए तो वो 3 हफ्ते अभी भी नर्क के समान ही है। शुरू शुरू में तो वो यथिम्री को सिर्फ मेरे महीने के दौरान ही बुलाते, पर वो रोज रात को नहाकर तैयार हो जाती, इंतजार करती पीर से इनके बुलाने का। फिर धीरे धीरे हर कुछ दिनों के बाद वो यथिम्री को बुलाने लगे। मैंने यथिम्री को उनके साथ हंसते हुए भी देखा था, मैं बहुत डर गई थी, जैसे मेरी दुनिया चाहे वो नर की हो मेरे हाथ से निकल रही थी। अगर उनका ध्यान मुझसे हटकर सिर्फ और सिर्फ यथिम्री में चला जाएगा तो मैं तो एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी, अपने बच्चों को लेकर मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। मुझे अब चिंता सताने लगी, यथिम्री से मुझे जलन होने लगी, उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। जैसे गप्पी अपने बाबा से नजर चुराती थी वैसे ही यथिम्री मुझसे नजर चुराने लगी। उसकी छोटी छोटी गलती पर मैं उसे फटकार लगाने लगी। अब वो और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। एक दिन एक नौकरानी को उसने थप्पड़ मार दिया उसकी चप्पल पहनने के लिए। एक को उसने बहुत डांटा अपनी प्लेट में से खाना खाने के लिए। कोई उसे कुछ कहता तो वो उसे कहती, मैंने अगर तुम्हारी शिकायत मालिक को लगा दी ना तो फिर देखना क्या होता है तुम्हारा। नौकरानी अब बातें बनाने लगी थी और वो बातें मेरे कान में गूंजने लग गई थी। एक दिन एक थोड़ी सी बूढ़ी नौकरानी के ऊपर जब यथिम्री चिल्ला रही थी तो उसने जोर से कहा, तुम क्या सोचती हो मैं जानती नहीं, क्या रिश्ता है तुम्हारा मालिक के साथ। ये सुनकर यथिम्री आहक बबूला हो गई। बाकी नौकरानियों ने उसे रोका, उसे कहा कि वो कुछ ना बोले क्योंकि पीर सेन इसकी सुनते हैं, ये जो कहेगी वो वही मानेंगे। ये सुनकर मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं था, मैंने अपनी चप्पल उतारी और वही सबके सामने यथिम्री को बहुत बुरी तरह पीटा। चील भी ये सब कुछ देख रही थी। मैं जानती थी कि चील पीर सेन को हर बात बता देगी, पर फिर भी उस समय मैं अपने गुस्से को नहीं रोक पाई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में खुद पीर सेन से बात करूंगी। उस दिन रात को पीर सेन के कमरे में जाते हुए मैंने उन्हें झूठी कहानी सुना दी। मैंने उन्हें कहा, पीर आजकल यथिम्री बहुत ज्यादा बनने लगी है, नौकरानियों के सामने बड़े तेवर दिखाती है, सबको बताती रहती है अपने और आपके रिश्ते के बारे में। मुझे उसे रोकना तो था ही, इसलिए मुझे उसकी पिटाई करनी पड़ी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पीर सेन ने कहा, तुमने जरा जल्दी कर दी लगता है। नहीं सेन, उसने कल एक नौकरानी को गाली भी दी। वो ऐसे तेवर दिखाती है जैसे कि वो कुछ अलग हो, उसकी इन हरकतों से सबके मन में शक पैदा होने लगा है सेन। अच्छा बुलाओ उस लड़की को। जब मैं उसे बुलाने गई तो उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं था, उसकी आंखें जैसे मुझसे कह रही थी, तुम कुछ भी कह लो जीत तो मेरी ही होगी। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा था, पर जब वो कमरे के अंदर गई और पीर सेन ने उसे एक जोर का तमाचा मारा, वो दूर जाकर गिरी, वो मेरे पैरों में आकर गिर गई। उसकी आंखों में तब वो डर दिखाई दे रहा था। आज मुझे उसके लिए कोई तरस नहीं आ रहा था। मैं अपनी जीत पर खुश होती हुई कमरे से बाहर चली गई। चील ने मेरे अंदर ये बदलाव जरूर नोट किया होगा। अपने मालिक की इस हरकत के बारे में चील क्या सोचती होगी? क्या मालिक के ऊपर इतना विश्वास, उसे कुछ भी यहाँ पर बुरा होता हुआ दिखाई नहीं देता होगा? क्या उसे नहीं लगता होगा जो आसपास हो रहा है सब गलत है? वो तो सब कुछ जानती है। यथिम्री मेरे लिए एक लगातार डर बन गई थी। जब तक मेरे पति के बिस्तर पर वो हक जमा सकती है तब तक वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है। मैं उसकी छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढती रहती और जाकर सेन को उसकी शिकायत करती। पूरा दिन मेरी नजरें उसी को ढूंढती रहती और वो जितना हो सकता मेरी नजरों से दूर रहने की कोशिश करती। पर वो कितनी भी गलतियाँ कर ले, दिन में पीर सेन उसे कितना भी गुस्सा कर ले, पर रात को उसके लिए उनकी भूख दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरी ये बेचैनी, मेरी ये तकलीफ गप्पी को समझ में आ रही थी। उसने एक दिन मेरे पास आकर कहा, माँ जब हम कुछ नहीं कर सकते तो जो जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो ना, आप क्यों यथिम्री को इतनी इम्पोर्टेंस देती हो, उसे जहाँ है वो वहीं रहने दो ना। उसने मेरा हाथ थामकर बहुत ही प्यार से मुझसे पूछा, क्या बाबा आपके लिए स्पेशल हैं? क्या आप उनसे प्यार करती हैं? नहीं, मैं उस आदमी से प्यार नहीं करती। वो आदमी है जिसने पूरी जिंदगी मेरी नर्क बना के रख दी है। ईद से एक हफ्ता
सप्ताह पहले सेन ने मुझे एक जोड़ी बहुत ही महंगे कपड़े दिलाए। वैसे ही जोड़ी कपड़े उन्होंने यथिमरी के लिए भी दिए। गप्पी की बातें मुझे याद तो थी, पर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल और बहुत ही दुख भी देने वाला था। मैंने वो कपड़े अपने पास रख लिए और यथिमरी को वैसे ही कपड़े दे दिए जैसे बाकी नौकरानियों को भी दिए गए थे। यथिमरी और वो कमरे में थे तब मुझे बुलवाया गया। क्या तुमने यथिमरी को वो कपड़े दिए थे जो मैंने उसके लिए दिए थे तुम्हें? पीर की ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई थी। वो सेन, मैंने उसे वही कपड़े दिए जो बाकी नौकरानियों को दिए, वरना सबके मन में शक पैदा हो जाता। अब बारी यथिमरी के खुश होने की थी। सेन ने मुझे बहुत ही तेज खींच के चांटा मारा। इतने दिनों से अपनी जीत पर खुश होने के बाद आज ये हार बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए पहली बार मैं उनके ऊपर चिल्ला दी। तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही हो? मैं कहना चाहती थी हाँ हाँ मैं चिल्ला रही हूँ, जो कर सकते हो कर लो, मार दो मुझे। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई जब उन्होंने यथिमरी को कमरे के बाहर भेज दिया। उसके बाद शुरू हुआ मेरे ऊपर असली अत्याचार। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने दोनों हाथ चारपाई के एक एक पाए के नीचे रख दूं। उसके बाद उस चारपाई पर बहुत सारे लकड़ी के फट्टे बिछा दिए गए और फिर उस पर पीर खुद लेट गए। मैं दर्द से चिल्ला उठी। उन्होंने उस समय मुझे बहुत ही तेज डांटते हुए कहा, अगर एक भी आवाज आई ना तुम्हारे मुंह से तो तुम्हारे सर के दो टुकड़े कर दूंगा। मेरे दोनों हाथों के ऊपर चारपाई के पाए रखे हुए थे। दर्द से मेरी जान निकले जा रही थी। मेरे दोनों पैर जो कि हाथों के बीच में सर पैरों के बीच में था, ना मैं ठीक से बैठ सकती थी, ना खड़ी हो सकती थी, ना लेट सकती थी। इस तरह से बैठे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे शरीर का एक एक अंग अकड़ा जा रहा था। पीर सेन आराम से उस चारपाई पर सो रहे थे, खराटे ले रहे थे, और इधर मैं जो कि दर्द से मरी जा रही थी। मेरे हाथों की हड्डियां जैसे टूट रही हो, चूर चूर हो रही हो। दर्द मेरे हाथों से लेकर मेरे सर में आ गया था। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। हल्का सा भी अगर मैं हाथ को हिलाती थी तो दर्द से मैं कांप उठती थी। पर वो शैतान, वो जानवर आराम से चैन की नींद सो रहा था। समय जैसे बीत ही नहीं रहा था, एक एक मिनट जैसे घंटों के समान हो गया था। पता नहीं मैं उस पल मर गई थी क्या, पर मुझे महसूस हुआ पी सेन चारपाई से उठे, बैठकर वो खड़े हो गए। पर दर्द कम नहीं हुआ, दर्द उतना ही रहा। वो चारपाई भी मेरे हाथों पर से हटा दी गई, पर दर्द अभी भी उतना ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खड़ी हो जाऊं और मैं उनके पैरों में गिर गई। मैं आज तक अपना दर्द अपने अंदर ही छुपाती आई थी। पहली बार मैंने उनके सामने आवाज उठाई थी। अब मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत या कभी कर पाऊंगी? ईद पे एक चूड़ी वाली हवेली में चूड़ियां लेकर आई थी। नौकरानियां बहुत गरीब थी, वो चूड़ियां खरीद भी नहीं सकती थी और अरोमा सेन उन्हें चूड़ियां खरीदने भी नहीं देती थी। उनका कहना था कि ये मालिक की बराबरी करने के समान है, इसलिए उन्हें अपने आप को सजाने सवारने का कोई हक नहीं। पर यथिमरी ने वो चूड़ियां खरीदी उन पैसों से जो कि उसे पीर सेन ने दिए थे। जब अरोमा सेन को पता चला तो पहले तो उन्होंने यथिमरी को बहुत डांटा, उसे चूड़ियां छीन ली। फिर उन्हें एहसास हुआ यथिमरी की और पीर सेन की नजदीकियों का। उन्होंने यथिमरी को चूड़ियां वापस तो कर दी, पर साथ साथ ये भी कहा कि अगली बार वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो मेरी परेशानी को भी समझ रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, यहाँ पर मर्दों में ये बात बहुत ही आम है, बहुत सारी औरतों को ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। अपने आदमियों को नौकरानियों के करीब जाते हुए उन्हें खून का घूंट पीना पड़ता है। पर तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जगह बरकरार रहे तो तुम कुछ करो ना। तुम इतने सारे बच्चों की माँ हो, इतने सालों से पीर के साथ हो, क्या तुम उसे जानती नहीं कि उसे बिस्तर में क्या पसंद है और क्या नहीं? तुम उसके हिसाब से अपने आप को क्यों नहीं ढाल लेती? देखो अपनी शक्ल, आंखों में ना कोई चमक है, ना चेहरे पर कोई लाली। कौन पसंद करेगा तुम्हें? क्यों नहीं वो उस नौकरानी की तरफ चला जाए? कुछ तो कारण है ना उस सबका। तुम अपने आप को समझती क्यों नहीं, ढालती क्यों नहीं, बदलती क्यों नहीं?
वरना तुम्हारी दुनिया तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। जो गप्पी ने कहा था वही ठीक है, जो जैसा है उसे वैसे ही अपना लो। अरोमा सेन तो मुझे घने जंगल में धकेल देना चाहती हैं। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, क्या पीर उस लड़की से निकाह कर सकते हैं? हाँ, वो किसी से भी निकाह कर सकता है, जिससे वो चाहे उससे निकाह कर सकता है। अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो तो तुम्हें उसके बिस्तर पर काबू पाना होगा, तुम्हें उसे वो खुशी देनी होगी जो वो लड़की उसे दे रही है। मैं एक बार फिर यथिम्रे को देखने लगी। आखिर वो कैसे मेरे पति की इतनी हवस को बर्दाश्त कर पाती है? क्यों नहीं वो हर रात वैसे ही मरती जैसे मैं मर मर के हर रात उनके साथ गुजारती हूँ? मुझे माँ की याद आने लगी। वहाँ सब कुछ कितना अच्छा था, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, उससे हम कितने खुश हो जाते थे। सब कुछ कितना बदल गया है, मैं घर जाना चाहती थी। सालों के साथ साथ मेरे घर की यादें भी जैसे धुंधली पड़ती जा रही थी। मैं अपने हाथों पर हिना नहीं लगा सकती थी, दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। गप्पी मेरे हाथों पर दवाई लगा रही थी, और गप्पी की बातों के बारे में एक बार फिर सोचते हुए मैं सोच रही थी यथिम्रे के बारे में। वो जगह जिससे मुझे नफरत है, वो उस लड़की को मैं नहीं दे सकती हूँ। आज ईद वाले दिन जब मैं तैयार होकर उनके कमरे में पहुंची तो यथिम्रे वहीं पर थी। मैं देख रही थी कि उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी। वो भाग भाग कर पीर से इनका काम कर रही थी, उनके पैरों में से जूते निकाल कर रख दिए, उनकी चप्पलें लाकर उनके पैरों में पहना दी। काम तो मैं भी यही सब कुछ करती थी, इतनी तेजी से ही करती थी, पर मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी पीर ने मुझे कहा कि मैं वहीं रुक जाऊं। मैंने देखा कि उनकी अलमारी की चाबी भी यथिम्रे के पास थी। उसने दरवाजा खोला अलमारी का और उसमें से शराब की बोतल निकाली। दो ग्लासों में उसने शराब डाल दी और फिर उसमें एक दवाई जैसी कुछ बूंदे टपका दी। उसने एक ग्लास खुद ले लिया और दूसरा मेरे हाथ में थमा दिया। पीर सिंह के सामने उनकी बीवी शराब पिएगी कि कौन सी दुनिया है? मेरे दिमाग में अरोमा सेन की बातें गूंज रही थीं। मैंने आंखें बंद करके दवाई की तरह उस शराब की ग्लास को पी लिया, और वहीं यथिम्रे उसको मजे ले लेकर पी रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि कैसे यथिम्रे मेरे पति को खुश कर रही थी। शराब के नशे में जैसे मेरा डर निकल गया था। मैं कहां हूं, मेरे क्या तौर तरीके होने चाहिए, वो मैं भूल गई थी। और वो रात मैंने एक तवायत की तरह अपने पति के कमरे में गुजारी। एक औरत को एक ही जिंदगी में कितनी जिंदगियां जीनी पड़ती हैं, एक ही चेहरे पर कितने चेहरे लगाने पड़ते हैं, कितनी चीजें एक साथ महसूस करनी पड़ती हैं। ओ अल्लाह, ये कैसी जिंदगी है? ये सब करने के बाद मैं एक आम इंसान की तरह जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? शुक्र है कि गप्पी को ये सब कुछ नहीं पता। गप्पी मेरे पास भागती हुई आई। माँ, आज तो तुम बिल्कुल परियों जैसी चमक रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा दिल जितना अच्छा है, आज उतना ही तुम्हारा चेहरा भी चमक रहा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, इस सब का श्राइन से कोई लेना देना नहीं। जल्दी ही मुझे पता चला कि मैं 5 महीने पेट से हूँ। जब अरोमा सिंह को मैंने ये बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सही टाइम नहीं है, अगर अभी मैं इस सब में पड़ जाऊंगी तो ये यथिम्रे मेरी जगह पूरी तरह से ले लेगी। जब पीर सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बच्चे को गिरा दो। मैंने एक हफ्ते तक लगातार दवाइयां खाई बच्चे को गिराने के लिए। बच्चा तो गिरा नहीं, पर मेरा चेहरा बिल्कुल सूख गया, मेरा सर जैसे पत्थर की तरह हो गया, और 8वें दिन मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।
वहाँ जाकर पता चला कि ज्यादा दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में तकलीफ हो गई है। वहाँ मेरा बच्चा भी गिरा दिया गया और 2-3 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद मुझे वापस हवेली में लाया गया। यहाँ पहुँचते ही नौकरानियाँ मुझे बधाई देने लगी। गप्पी का महीना शुरू हो गया है, वो अब एक औरत बन गई है और पीर सेन ने तय कर लिया था कि मीसनी के भाई के साथ गप्पी की शादी तय कर दी जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो घर जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जहाँ पर मीसनी का रिश्ता अपने बाप के साथ है, जहाँ पहले से इस तरह के जुर्म को बढ़ावा दिया जाता रहा है। मैंने यहाँ पर गप्पी को अपने बाप से बचाया, वहाँ वही मौका मैं उनके भाई को दे रही हूँ। हो सकता है कि गप्पी का पति भी अपनी माँ की तरह बेबस हो जाए, कुछ ना कर पाए और मेरी गप्पी को अपने बाप के हाथों में धकेल दे, और उसकी नन मीसनी हो सकता है कि वो इस सब जुर्म में भागीदार बन जाए और मेरी गप्पी नहीं, मैं अपनी गप्पी को उस नर्क में धकेलना नहीं चाहती थी। मैं पीर सेन से कहना चाहती थी, मेरी बेटी को उस घर में मत भेजो जहाँ किसी तरह के कोई कायदे कानून नहीं माने जाते, जहाँ एक बाप अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ता। पर मेरी सोच शब्दों में तब्दील नहीं हो पाई और मैं कुछ ना कह पाई। पता नहीं कहां से एक दबा हुआ ख्याल मेरे दिमाग में आया, रांझा की शादी हो चुकी होगी, पता नहीं वो कहां होगा। जहां मैं बहुत दुखी थी कि मेरी गप्पी की शादी एक राक्षस से होने वाली है, वहीं अरुमा सेन बहुत खुश थी। उन्होंने बहुत ही चहकते हुए कहा, ये तो अच्छा है ना कि हमारे घर में इतने सारे लड़के हैं, हमें अपनी लड़कियों को घर के बाहर देने की जरूरत ही नहीं। मेरी छोटी दोनों बेटियां दिया और मुन्नी, उनमें गप्पी जितना दिमाग नहीं था, उन्हें मैं उड़ना सिखाने की कोशिश भी करती तो उन्हें मेरी बातें बहुत अजीब लगती। वो ज्यादा समय अपनी दादी के साथ गुजारती थी क्योंकि मैं गप्पी के ज्यादा करीब थी और उन दोनों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश भी नहीं करती थी। बच्चों के कमरे में लेटे हुए, जहाँ मैं हमेशा अपने महीने के दौरान और अपनी बीमारी के दौरान लेटती थी, गप्पी की तरफ देख रही थी। वो बिल्कुल भी अपने बाबा की तरह नहीं थी, वो बिल्कुल मेरी तरह थी। उसका चेहरा, उसका नाक, उसकी आंखें, सब मेरी तरह थी। गप्पी, तुम शादी के बारे में क्या महसूस करती हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा एक अपना घर होगा जहाँ पर तुम मालकिन होगी। माँ, क्या वो सब कुछ यहाँ से अलग होगा? गप्पी की शादी के लिए हमें कोई तैयारियां नहीं करनी थी। अरुमा सेन ने पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा था। मेरे वो जेवर जो मैं पहनती नहीं थी, वो गप्पी को दे दिए गए। इसके अलावा एक टेलीविजन, एक फ्रिज और एक कार भी। कहाँ जाने के लिए पता नहीं। अपनी तीनों बेटियों को देखकर मुझे अपनी बहनें याद आ गई थी। जब मेरी शादी हो रही थी तो वो दोनों कितनी दुखी हुई थी, मेरी आंखों में आंसू थे। गप्पी ने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। माँ, मेरे लिए दुखी मत हो, जो यहाँ जिंदगी है उसकी मुझे आदत है ना, तो मैं वहाँ भी आदत डाल लूंगी, तुम परेशान मत हो मेरे लिए। खुश होने की वजह ढूंढ लेना गप्पी। हाँ माँ, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं आसानी से अपने पति की हवेली में से निकल भी जाऊंगी और पूरी दुनिया घूम लूंगी। फिर जो गप्पी ने कहा उसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माँ, जो आपने किया उसके लिए कभी भी बुरा मत महसूस करना, आपने नामुमकिन को मुमकिन से बदला है। यह तिमरी मेरे पिता के लिए है, मैं नहीं हो सकती थी, वो उसके साथ निकाह भी कर सकते हैं, पर मेरे साथ उनका रिश्ता हराम ही होता ना। शर्म के मारे मुझे ऐसे लग रहा था कि ये धरती खुल जाए और मैं उसमें समा जाऊं। पर गप्पी ने मुझसे कहा, माँ आपको तो कम से कम ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमारे साथ वो नहीं हुआ जो कि मीसनी के साथ हुआ है, अल्लाह ने कम से कम हमें उस सब से बचा लिया। पर मैं अभी नहीं जानती थी कि मैं उस सब से बच चुकी हूँ, जब तक मेरी दिया और मेरी मुन्नी का निकाह ना हो जाए। गप्पी की शादी में माँ, भाई, मेरी दोनों बहनें और उनके पति भी आए थे। वो पीर सेन की बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे थे,
जितनी पीसेंट डिजर्व नहीं करते। मेरे पति के परिवार में बेटी की शादी पर नाच गाना नहीं होता। उनका कहना है ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हम अपनी लड़की को किसी और के बिस्तर पर भेज रहे हैं। गप्पी की शादी में मैं खुश नहीं हो पा रही थी। गप्पी से जुदा होने का गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। जब लाल कपड़ों में गप्पी सजकर तैयार हुई तो मेरी आंखें भर आई थी। मुझे हर वो बात याद आ रही थी, गप्पी का जन्म, उसको बड़ा करना, उसके साथ खेलना, उसके लिए गाने गाना, वो कैसे मेरे सामने बड़ी हो रही थी। मैं उसके पंख लगा देना चाहती थी, उसे उड़ना सिखाना चाहती थी, और अब उसके पंख कट गए हैं। गप्पी का घर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं था, पर पता नहीं अब मैं कब गप्पी से मिल पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर शादी के बाद मैंने किसी लड़की को आते हुए नहीं देखा। अगर कोई बहुत बड़ा मौका हो या फिर कोई दुख की बात हो। गप्पी के गले लगकर छोटा सेन भी बहुत रोया था, पर राजा जी नहीं, वो कुछ अलग ही था। गप्पी जब घर के दरवाजे तक पहुंची तो उसके गले लगकर मैं बहुत रोई थी। मेरी नजर चील की तरफ गई, वो हाथ बांधे वैसे ही खड़ी थी, ना कोई खुशी ना कोई दुख। उसने हाथ बढ़ाकर गप्पी को दुआ तक नहीं दी थी। खैर, मैंने अपना ध्यान एक बार फिर गप्पी की तरफ कर लिया था। बेटी की शादी पर मुझे खुश होना चाहिए था, पर मैं बहुत दुखी थी। मैं जानती थी कि एक और जालिम के हाथों मैंने अपनी बेटी को सौंप दिया है। एक ही इंसान घर में था जो कि हीर को समझता था, अब वो भी नहीं। अब हीर के लिए आगे की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। क्या क्या और नए पड़ाव हीर की जिंदगी में आने वाले हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे कहानी को आगे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो ऑन फैक्ट ऑफ लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट संदोष दिशा। स्टे ट्यून्ड विद अस। Radio Uran is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Uran, and what about you? हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में ना आए कि हमें अपने अंदर के उस शैतान को जगाना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं दबा ही रह जाता है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तेमीना दुरानी ने। जी हाँ, इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है हीर, जिसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि उसे अपने अंदर के सारे शैतानों को जगाने की जरूरत पड़ गई है। वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि उसे अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर लाना ही पड़ेगा, अपने पति के बनाए हुए इस जहन्नुम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, वरना उसके लिए यहाँ पर सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी ही एक सिचुएशन में हीर हाल ही में फंस चुकी है। हीर ने अपनी बेटी गप्पी को बचाने के लिए अपने पति की खिदमत में एक और यतीम लड़की पेश कर दी, जो अब हीर के लिए डर बन गई है, जिसने उसके पति के साथ एक रिश्ता कायम कर लिया है और हीर को अपनी ये दुनिया, चाहे नर की हो, अपने हाथों से छूटती हुई दिख रही है। अगर वो लड़की या थिमरी उसके पति पर काबू पा लेगी तो हीर अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। खैर, अब हीर एक ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि अगर वो अपने पति का साथ देगी तो वो ये थिमरी को काबू पाने देने से रोक सकती है। एक विधवा औरत अपनी दो बेटियों के साथ अरोमा सेन के पास आ पहुंची। वो अरोमा सेन के पैरों में गिर गई, उनसे भीख मांग रही थी। वो ये बार बार कह रही थी कि उसकी बच्चियां जो बड़ी हो रही हैं, इस दुनिया से, इस जालिम दुनिया से, इन शैतानों से वो अपनी बच्चियों को कैसे बचा पाएगी। सिर्फ अरोमा सेन ही उसका सहारा है। अगर अरोमा सेन उसकी मदद करेंगी तो वो अपनी बच्चियों को इन शैतानों की हवस का शिकार होने से रोक पाएगी। मुझे याद आ गई थी माँ की, जब माँ मुझे और मेरी बहन को पीर सेन के पास ले गई थी। मैं उस औरत की आंखों में देख रही थी। मैं उसे कहना चाहती थी कि यहाँ से चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ, यहाँ पर तुम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाओगी, ये एक जहन्नुम जैसा है, यहाँ रह गई तो तुम्हारी बच्चियों को अल्लाह भी नहीं बचा पाएंगे। पर वो औरत यहीं रुक गई। रात को पीर सेन ने मुझसे पूछा, तुम उस बेवा औरत से मिली?
हाँ हाँ पीर, वो उसकी बेटियों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैं ये सुनकर कांप उठी थी। बहुत ही छोटी बच्चियां थी वो पीर, मैंने ध्यान से नहीं देखा। उसमें से एक लड़की को आज रात को मेरे लिए तैयार करके लाओ। उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरे दिल पर छुरियां चल गई थी। हाँ हाँ, वो बड़ी वाली, छोटी तो अभी मेरे लिए भी काफी छोटी है। मैं ये सुनकर बहुत घबरा गई थी। और सुनो, ये थिमरी को ये बात बिल्कुल मत बताना, वो बच्ची है, गलती कर सकती है। मुझे अरोमा सिंह की बात याद आ गई थी। अगर ये थिमरी को इन पर काबू पाने से रोकना है तो इनके जुर्म का हिस्सा बनना ही होगा। अब मेरे पास कोई और चारा तो था नहीं। मैंने शाम को उस औरत की चाय में नशे की दवाई मिला दी थी। वो मेरे कमरे में उस बच्ची का इंतजार कर रहे थे और मैं उनके कमरे की तरफ चलती थी। वो बच्ची जिसे मुझे ले जाना था, वो अपनी माँ और छोटी बहन के बीच में सो रही थी। वहां से इन लोगों को जगाए बिना लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता। खैर, मैंने उस लड़की को हिलाया, उठो यहाँ से चलो। मुझे देखते ही वो हैरान हो गई। उसने अपनी माँ को उठाने की कोशिश की। मैंने कहा, माँ को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे पैर दबाओ। वो बच्ची बहुत छोटी थी, या तिमरी से भी छोटी, शायद सिर्फ 12 साल की हो। मेरे मन में पछतावे की भावना आई, पर मैंने उसी समय उसे निकाल दिया। मेरे पास ये सब सोचने के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। दिया और मुन्नी बड़ी हो रही थी और मुझे उन्हें बचा कर रखना था। जब मैं कमरे में पहुंची तो वो पलंग पर बैठे थे। उस लड़की ने जब उन्हें देखा तो भाग कर पैर छुए। वो सोच रही थी कि उसकी किस्मत चमक गई है, उसको भगवान ने अच्छी नजरों से देख लिया है। वो जल्दी जाकर अपनी माँ को यह सब कुछ बताना चाहती थी कि उनकी किस्मत खुल गई है। तभी उन्होंने उसके हाथ में शराब का ग्लास पकड़ा दिया। मैंने अपना ग्लास लेकर छट से पी लिया। उससे आसपास सब कुछ धुंधला हो जाएगा, मेरी सोच समझ पर पर्दा पड़ जाएगा। पर उस छोटी सी बच्ची के लिए वो पी पाना बहुत मुश्किल था। एक घूंट पीते ही जैसे उसे उल्टी होने लगी। उन्होंने उसे चिल्लाकर कहा, इसको एक घूंट में पी जाओ। और उस बच्ची ने उसे पी लिया। वो लेट गए और उस बच्ची को कहा कि वो उनके पैर दबाए। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी जान लगाकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही थी, उनके पैर दबा रही थी। वो दिया से भी बहुत छोटी थी और मैं वो शैतान माँ। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैं उसे दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ उस लड़की ने उल्टी कर दी। मैं जैसे सदमे में आ गई थी, मैं सब कुछ क्या कर रही हूँ? पर नहीं, मेरे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे याद आ रही थी गप्पी की वो बात, माँ मेरे जाने के बाद अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर तुम दिया और मुन्नी के निकाह तक इस सब को बरकरार रखोगी? मैंने कपी को कोई जवाब नहीं दिया था, पर मैं जानती थी कि अब वापस आने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ ना कहना मैं कैसे अब इस सबसे मुंह मोड़ पाऊंगी। दिया और मुन्नी के निकाह के बाद भी क्या मैं इस सबको रोक पाऊंगी? जिस दिन कपी का निकाह हुआ था और मैं बहुत थकी हुई थी, नींद जैसे मुझे आने ही लगी थी, तब ये हाकर मेरे ऊपर बहुत तेज चिल्ला दिए थे। उन्होंने कहा था, आज सोने का दिन नहीं है, जाओ ये थिमरी को बुला कर लाओ। मैंने ये थिमरी को हर जगह ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिली। मैं बहुत घबरा गई थी, इनके गुस्से के कहर से मैं कांप रही थी। तब मैंने उपाय सोचा। गुस्सा शांत करने के लिए मैंने इनसे कहा कि उस बेवा औरत की छोटी बच्ची को मैं इनके लिए ले आती हूँ। वो ये सुनकर खुश हो गए थे और उस नन्ही सी जान को उस दिन मैंने इनके हवाले कर दिया था। Thank you.
माँ मेरे पास आई। वो लोग वहाँ से जाने वाले थे। उसे पहले माँ चाहती थी कि मैं भाई से बात करूँ। माँ ने बताया कि जब भी वो लोग मेरे बारे में भाई से बात करते हैं, कहते हैं कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी जो मुझे पीर सिंह जैसा पति मिला है, तो भाई कमरे से चला जाता है। वो लोग जो कि इनकी खुशी से जलते हैं, उन्हें शक होने लगा है। माँ चाहती थी कि मैं भाई को बताऊं कि मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने मुझे ये भी बताया कि भाई का ना पढ़ाई में ध्यान लगता है ना किसी काम में। एक दुकान पर उसे नौकरी दिलवा दी थी, वहाँ भी वो रोज नहीं जाता, रात को देर से घर पर आता है। माँ बहुत ज्यादा दुखी थी। एक ही बेटा है और वो भी लायक नहीं निकल रहा, तो माँ का दुख तो समझ में आता ही था। माँ जब भी उसे कहती कि जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ होंगी, और जब बेटा पैदा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि वो हमारा रक्षक बनेगा, आगे जाकर हमारी सेवा करेगा। पर भाई जैसा बेटा कौन चाहता है, ऐसा बेटा तो पैदा होने से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। ये सुनकर भाई और उदास हो जाता था और वो कई कई दिन तक घर वापस नहीं आता था। भाई से मैंने अकेले में बात की। मैंने उसे कहा, अब तो देखो तुम्हारी बहन की बेटी की भी शादी हो गई है, दोनों बहनों की शादियां हो गई हैं, तुम्हारे कंधे पर कोई भी बोझ नहीं, फिर तुम क्यों नहीं कुछ अच्छा करते। वो हंसते हुए बोला, आपा किसी को दिखाई नहीं देता ना कि मेरे कंधे पर कितने बोझ हैं, उन्हें सिर्फ वही बोझ दिखाई देते हैं जो मेरे कंधे से हट गए हैं। पर तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, मैंने भाई से पूछा। आपको क्या बताऊं आपा, आपके दुख क्या मुझे दिखाई नहीं देते, क्या मैं नहीं जानता कि आप खुश होने का नाटक कर रही हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया था। मैं क्या कर सकती थी गप्पी के लिए, छोटे सेन के लिए और अपने भाई के लिए। इधर यथिमरी के गायब होने पर पीर सेन उससे काफी खफा थे। जब अगले दिन यथिमरी को बुलाया गया तो पीर सेन ने उसे पूछा, तुम कल रात को कहाँ थी। मालिक मैं तो वहीं सो रही थी, पर मालिक ने मुझे उठाया ही नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि वो झूठ बोल रही है। वो उससे भी तेज चिल्लाने लगी और हम दोनों जैसे वहाँ पर लड़ाई करने लगी। पीर सिंह दोनों को ही देख रहे थे, उनके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। उन्होंने कहा कि वो इस बात की तह तक जाएंगे। चील को तो सब कुछ पता ही होगा, चील तो जानती होगी कि आखिर ये थिमरी कहाँ थी, वो तो हर किसी के ऊपर नजर रखती है, फिर वो पीर सिंह को बताती क्यों नहीं है। अरोमा सेन ही कुछ कर सकती थी। ये सोचकर मैं अरोमा सेन के पास पहुंची। मैंने उन्हें कहा कि वो यथिमरी को बुलाएं या फिर चील से पूछें कि आखिर यथिमरी कहाँ थी। जब पता लगाया गया तो पता चला कि धोबन और उसकी बेटी के पास यथिमरी सो रही थी। मैंने हर जगह देखा था, यथिमरी कहीं भी नहीं थी, पर धोबन ने आकर बताया कि रात को यथिमरी उनके साथ ही थी, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने दूसरा तरीका सोचा और जाकर पीर सिंह को झूठ बोल दिया कि मैंने जान के यथिमरी को नहीं उठाया था, क्योंकि यथिमरी तो अब पुरानी हो गई है, उन्हें कुछ नए की जरूरत है और वो नई बच्ची मैं उनके सामने पेश करना चाहती थी। उन्होंने थोड़ा गुस्सा तो किया कि मुझे झूठ बोलने का कोई हक नहीं, पर फिर भी वो मेरी बात से खुश हो गए थे। मैं जैसे ही दूसरे कमरे में गई तो वहां पर वही बेवा औरत आ गई। उसने मेरे पैर छुए और शुरू हो गई तारीफों के पुल बांधना। बीवी जी आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह की दुआ हमेशा आप पर बनी रहे, पीर सिंह का रहमो करम हम सब पर बना रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, जल्दी बोलो काम क्या है, ये सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोली, बीवी जी यथिमरी कल रात को छोटे सेन के कमरे में थी, छोटे सेन ने उस धोबन को पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। ओह अल्लाह हम पर रहम करना। ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। अगर पीर सिंह को ये सब कुछ पता चला तो वो छोटे सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें ये बात किसी और को तो नहीं बताई, किस किस को बताया ये बात, मैंने घबराते हुए उस औरत से पूछा। नहीं बीवी जी मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैंने तो उन दोनों की बातें सुनी थी और यथिमरी को मैंने छोटे सिंह के कमरे में जाते हुए भी देखा था। ओ अल्लाह एक मुसीबत से निकलती हूँ तो
उससे भी बड़ी मुसीबत में फंसा देते हो मुझे। अब क्या होगा? पर छोटे सीन, वो तो सिर्फ 13 साल का है, मैंने उस औरत से कहा। तो क्या हुआ बीबी जी, यथिमरी भी तो 14 साल की है। एक जवान लड़के के साथ सोना एक बुढ़े आदमी के साथ सोने से तो बेहतर ही है उसके लिए। मैं धरती में समा जाना चाहती थी, पर मुझे अपने बेटे को बचाना होगा, बचाना होगा पीर सेन के कहर से। वो औरत जो अब मुझसे पैसे मांग रही थी, मैंने उसे 1000 रुपए दिए। वो रोने लगी, बीवी जी आजकल के जमाने में इन पैसों से क्या होगा, मुझे और पैसे चाहिए होंगे। आप तो जानती ही है ना, दो बच्चियों को पालना इतना आसान थोड़ी है। मैं जानती थी अब इस तरह की बातें ये मुझसे लगातार करती रहेगी। इसने अपने आँख और कानों को खुला रखा है मेरे घर में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानने के लिए। मैंने उसे 500 रुपए और दे दिए। पता है अब ये तो लगातार चलता ही रहेगा। मैंने छोटे सिंह को बुला भेजा। 2 घंटे बाद वो मेरे कमरे में आया। तब तक मुझे समय मिल गया था 1000 तरीके सोचने का उसे अपने पिता के कहर से डराने के लिए। अगर छोटे सेन की बात करें तो इन राक्षसों के बीच में वो अल्लाह का रूप था। पीर सेन के लिए वो एक ऐसा तारा था जो टूटा हुआ था, एक ऐसा सूरज जो कि डूब चुका था, एक ऐसा चांद जो कभी चमकेगा ही नहीं। उसके दुख को देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर मेरा दिल रोता था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी और मैं करना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि मैंने जब दरगाह पर जाकर प्रार्थना की थी मेरा बेटा बाबा जी जैसा हो, तो वो प्रार्थना मेरी सुन ली गई थी। छोटे सेन बहुत ही कमजोर दिल का था, किसी को तकलीफ में वो देख नहीं सकता था। अगर किसी नौकर को सजा मिलती तो उसका दिल रोता, वो कांप उठता। ये देखकर पीर सेन को बहुत गुस्सा आता, वो उसे भी सजा देते और उसे अपने से दूर कर देते, जिससे वो तब तक खुश रहता जब तक वापस पीर सेन उसे अपनी दुनिया में खींच कर ना ले आते। मैं उसे समझाना चाहती थी कि अगर उसका दिल मुलायम है, नर्म है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कमजोर है। वो बहुत ताकतवर है, उसके पास और भी ताकतें हैं, उसके पास बाबा जी जैसी ताकत है। वो एक दिन वो पीर सेन बनेगा जिसका यहाँ के सभी लोगों को इंतजार है, पर उसके लिए उसे अभी सतर्क रहना होगा। मैंने उसे समझाया कि मैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए क्या कर पाऊंगी। उसकी वो बड़ी बड़ी भूरी आंखें दुख के साथ मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने पिता के रास्ते से दूर रहना होगा, उन सभी लोगों से दूर रहना होगा जो कि उनके कदमों में झुकते हैं, उन सभी औरतों से दूर रहना होगा जिन्हें वो इस घर में रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि छोटे सेन अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत के साथ रिश्ता कायम कर रहा है, तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर छोटे सेन बहुत घबरा गया था, उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैंने उसे बताया कि जिस लड़की को वो अपने साथ अपने कमरे में ले गया था, वो उसके पिता के बिस्तर पर सोती है। ये सुनते ही उसे पसीना आ गया, वो रोने लगा, किरकिराने लगा। उसने कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस लड़की को नहीं बुलाया अपने कमरे में, वो जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आई, मैं नहीं चाहता था उसे वहां पर, माँ मैं सच कह रहा हूँ। तुमने किसी को पैसे दिए उसे वहां लाने के लिए, ये बात एक औरत ने सुन ली है। मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी छोटे सेन, मैं सच कह रही हूँ। नहीं माँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को नहीं दिए माँ, मैं नहीं लेके गया उसे अपने कमरे में। पर ये बात क्या किसी को प्रूफ की जा सकती थी? मैंने उसे समझा तो दिया था कि आगे से उसे इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पीर सेन का दिल जीतने के लिए कुछ भी ऊटपटांग बात कह सकते हैं, छोटे सेन को किसी भी चीज में फंसा सकते हैं। उनको पता है कि छोटे सेन का दिल नर्म है और इस चीज का वो फायदा उठा सकते हैं। छोटे सेन ने मेरे पैर छुए और वो वहां से चला गया। हर रात को मेरे हाथों से एक नया जुर्म होता, हर रात को मैं नर्क के दरवाजे पर दस्तक देकर आती, और हर सुबह मेरी आंख खुलती छोटे सेन की आवाज से, वो जो कुरान में से कुछ लाइनें पढ़ रहा होता, वो जो अल्लाह का सजदा कर रहा होता। पीर सेन को उसके जुर्म के बारे में तो पता नहीं चला, हाँ उन्हें ये जरूर पता चला कि छोटे सेन की तरफ
लोग आकर्षित हो रहे हैं। छोटे सीन के अंदर बाबा जी जैसी शक्तियाँ हैं, लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, लोग उस पर विश्वास करने लगे हैं, उसके पास अपनी तकलीफें लेकर जाने लगे हैं। जहाँ पीर सेन श्राइन में एक राजा महाराजा की तरह बैठते थे, वहीं छोटे सेन बाबा जी की तरह केले के पेड़ के नीचे। धीरे धीरे छोटे सेन के पास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कहने का तो बाप और बेटा अब दोनों एक ही काम कर रहे थे, दोनों लोगों के दुख का निवारण कर रहे थे, दोनों कुरान पढ़ रहे थे, दोनों लोगों का भला कर रहे थे, दोनों लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। पर न जाने क्यों आजकल पीर सेन बहुत गुस्से में रहते थे। घर में आकर वो हमेशा चीखते चिल्लाते ही रहते थे। अब ये छोटी लड़कियां भी जैसे उन्हें खुश नहीं कर पा रही थी। सुबह नमाज पढ़ते समय मैं अल्लाह से पूछना चाहती थी, ये चुन किसके हैं? मेरे? ये दुनिया किसकी है? तुम्हारी? ये आवाजें सुनकर मैं बहुत घबरा गई और जब खिड़की के बाहर देखा तो देखकर दंग रह गई। पेड़ से छोटे सेन को बांधा हुआ था और उसे चाबुक से पीर सेन पीट रहे थे। हर पेड़ के पीछे मुझे एक औरत दिखाई दे रही थी, हर खिड़की में एक चेहरा, पर कोई भी मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीर सेन को रोक सके। हर तरफ से लोग निकल कर आए, उन्होंने फटाफट से छोटे सेन को वहां से खोला, उसे एक चद्दर में लपेट कर वहां से ले गए। हीर! ये आवाज सुनते ही मैं भागती हुई उनकी तरफ गई। तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कि उसने यथिमरी का बलात्कार किया? यथिमरी ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि छोटे सेन उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया था और वहां जाकर उसको जबरदस्ती नशा कराया और उसका बलात्कार किया। जब उन्होंने कमरे के अंदर आके दरवाजा बंद कर लिया तो एक माँ भागती हुई अपने बेटे के पास जा पहुंची। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब थी, जब उसे खून की उल्टियां हुई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद तो पीर सेन पूरा समय यथिमरी के साथ ही रहने लगे। वो एक मिनट के लिए भी उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहते थे। वो पूरा दिन कमरे में रहते, क्या तो खाना खाते, क्या फिर यथिमरी के साथ सेक्स करते। सेक्स के अलावा उनके दिमाग में जैसे कुछ और बचा ही नहीं था। वो हर समय यही सोचते रहते कि इसे और ज्यादा मजेदार कैसे बनाना है, क्या नयापन लाना है, क्या नया करना है। यहाँ तक कि उन्होंने शहर से यथिमरी और मेरे लिए छोटे छोटे कपड़े भी मंगाए थे। वो पहनकर और ऊंची हील की सैंडल पहनकर हम दोनों कमरे में घूमते थे उन्हें खुश करने के लिए। मेरे लिए तो वो सब कुछ पहनकर चल पाना भी बहुत मुश्किल होता था, वहीं यथिमरी को इस सब में बहुत ज्यादा मजा आता था। मुझे तो कई बार लगता था कि पीर सेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कई बार वो सुबह नमाज पढ़ना तक भूल जाया करते थे। भाई आया था मुझसे मिलने, ये बताने कि उसकी नई नौकरी लगी है। पीर सेन ने एक रुमाल पर कुछ चिपचिपा सा लगाकर मुझे दिया भाई को देने के लिए। भाई ने मेरी तरफ देखकर मुझसे पूछा कि ये क्या है। ना मैं जानती थी और ना पूछने की हिम्मत मुझ में थी। भाई ने उसे सूंघा तो वो बेहोश हो गया। मुझे पता चला कि भाई को ब्रेन हैमरेज हो गया है। छोटा सेन घर तो वापस आ गया था अस्पताल से, और वो एक जिंदा लाश की तरह ही था। वो पूरा दिन चुपचाप इधर से उधर घूमता रहता, घंटों केले के पेड़ के नीचे बैठा रहता, किसी से बात ना करता। पीर सेन को देखते ही वो बहुत दूर भाग जाता। इसी बीच गप्पी भी आई थी अपने पहले बच्चे को जन्म देने। गप्पी के बच्चे का जब जन्म हुआ तो छोटा सेन खुश हुआ था। उसके बच्चे को लेकर वो घंटों घूमता रहता। गप्पी को अपने भाई की ये हालत देखकर बहुत दुख होता। गप्पी के जाने का दिन आया था, पर गप्पी अभी घर के बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि उसके भाई छोटे सेन की लाश घर में आ गई थी। सब लोग बहुत दुखी थे, गप्पी बहुत रो रही थी, छोटी बहनें दोनों चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी कि काली और तोती की तरह अब छोटे सेन को भी शांति मिल जाएगी। राजा जी की गले लगकर मैं बहुत रोई थी, और जब मैंने चील की तरफ देखा तो वो अभी भी वैसे ही हाथ बांधे खड़ी थी। बहुत नफरत हो गई थी मुझे उससे। पीर सेन ने चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। उनके चेहरे पर कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने ना एक बार भी मेरे साथ आकर अपना दुख प्रकट किया। मेरा बस चलता
तो मैं उनकी आंखें निकालकर चील को दे देती। मेरा बस चलता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देती। वो जो कि मेरे बेटे के खूनी हैं, वो जिन्होंने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने मेरी बेटी का बलात्कार करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा गला पकड़कर मुझे जुर्म के अंधे कुएं में धकेल दिया, छोटी छोटी यतीम लड़कियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया, पर इसके बावजूद भी वो अल्लाह के बंदे हैं, वो जिनकी पहुंच अल्लाह तक है, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। जी हाँ, हीर की जिंदगी में एक के बाद एक बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं। हीर की जिंदगी दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। हीर आगे की अपनी जिंदगी कैसे काटेगी? वो बेटा जिससे उसे उम्मीदें थी, वो बेटा जो कि उसके हिसाब से बाबाजी का रूप था, अब वो भी दुनिया से चला गया। और हीर का दूसरा बेटा राजा जी, जो कि अपने पिता के जैसा ही है, उससे हीर को कोई उम्मीदें नहीं। हीर को फिलहाल अपनी दोनों बच्चियों को बचाना है। आगे हीर की जिंदगी में और क्या होने वाला है, ये जानने के लिए फिलहाल हमें रुकना होगा, क्योंकि समय हो चुका है। कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, आगे बताऊंगी आपको हीर की जिंदगी में और क्या नए इम्तिहान आने वाले हैं, पर उसके लिए फिलहाल आपको मुझे देनी होगी इजाजत। अगले सप्ताह इसी शो में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, हीर की जिंदगी में आगे क्या हुआ वो सब जानेंगे। तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, धैर्य बनाकर रखना है, अपने दिल को थाम कर रखना है, और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जिनका मुझे हमेशा इंतजार रहता है वो मुझ तक पहुंचाने हैं। जी, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मुझे बताते हैं कि मैं सही दिशा में चल रही हूँ या नहीं, मैं जो कहानियाँ आपके लिए ला रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है या नहीं। जी हाँ, ये कहानी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचानी बहुत जरूरी है। मैंने अपना काम कर दिया, अब जिम्मेवारी आपकी है। जी हाँ, इस YouTube वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपका इस सब के बारे में क्या कहना है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि www.radiouran.com, वहाँ जाके एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, वहाँ जाके मुझे चैट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है रेडियो उड़ान, उसे लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और YouTube का चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो फिलहाल समय हो चुका है इजाजत देने का। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हंसिए और सबको हंसाइए, और मुझे दीजिए इजाजत। सुन रहे रेडियो ऑन फाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।